तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर सीरीज हमारी लर्न मेटल फॉर्मिंग थ्रू प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर हम प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स की मदद से हम मेटल फॉर्मिंग को सीखेंगे। अब कोई प्रायर नॉलेज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ मैं न्यूमेरिकल्स की मदद से समझा दूंगा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रोलिंग टॉर्क और रोलिंग पावर। ये बेसिकली हमारी टाइप फोर प्रॉब्लम है। इससे पहले हम टाइप वन कर चुके हैं, जिसमें हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करी थी। टाइप टू में हमने लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करी थी। टाइप थ्री के अंदर हमने रोलिंग फोर्स और रोलिंग प्रेशर की बात करी थी। और यह टाइप फोर प्रॉब्लम, इसके अंदर हम रोलिंग टॉर्क और रोलिंग पावर के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यूमेरिकल है, ये आया था गेट 2008 में, वॉट 2 मार्क्स, एंड एज यूजुअल इट वॉज रियली अ वेरी वेरी सिंपल वन। तो प्रॉब्लम क्या है, इन अ सिंगल पास रोलिंग ऑपरेशन A 20 mm thick plate with a width of 100 mm is reduced to 18 mm। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेट है जिसकी थिकनेस है 20 mm, हम उसकी थिकनेस को कम कर लें टू 18 mm, यानी कि रिडक्शन हमें कितना मिल रहा है, 20 - 18 इज इक्वल टू 2 mm। ठीक है, तो एक प्लेट है जिसकी चौड़ाई हमें दे रखी है 100 mm, रिडक्शन हमें मिल रहा है उसके अंदर 2 mm का। द रोलर रेडियस इज 250 mm, रोलर का रेडियस दिया गया, हमें रेडियस ही चाहिए। क्या दिया गया, 250 mm, एंड स्पीड ऑफ रोटेशन इज 10 rpm, रोटेशन की स्पीड कितनी है 10 rpm। द एवरेज फ्लो स्ट्रेस ऑफ द प्लेट मटेरियल इज 300 MPa, द पावर रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग ऑपरेशन इन किलोवाट इज। तो फ्रेंड, मतलब एज यूजुअल ये बहुत ही ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें पावर रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग निकालना है। तो हम सभी जानते हैं कि पावर, पावर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, पावर इज इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू ओमेगा। ये जनरल फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, ये रोलिंग का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, रोलिंग का फॉर्मूला नहीं है, थोड़ी देर में पता चलेगा ऐसा क्यों है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा। ठीक है, तो अगर हम ये निकाल लें कि रोलर कितने ओमेगा से, कितने रेडियंस पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है, और हम ये निकाल लें कि रोलर को घुमाने के लिए कितना टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, हम रोलर को घुमाने के लिए, एक रोलर को घुमाने के लिए कितनी पावर चाहिए, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा निकालना, इट्स वेरी वेरी सिंपल, वो हम सभी जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60। ठीक है, एन बेसिकली क्या है, रोटेशंस पर मिनट। अब एक रोटेशन के अंदर कितना एंगल होता है पूरा, ठीक है, कितना एंगल होता है, 2π radians। तो एन बार कोई चीज घूमेगी तो वो कितना एंगल बना रही है, 2π × n। तो 2πn radians एक मिनट में कवर हो रहा है, एक सेकंड में कितना कवर होगा, 2πn/60। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला, ठीक है, तो इससे हमारा ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा इज नॉट अ बिग डील। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि रोलर को घुमाने के लिए कितना टॉर्क हमें अप्लाई करना पड़ेगा, एंड इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। आइए मैं आपको बताता हूँ कि टॉर्क का फंडा क्या है। ये सपोज कीजिए, मतलब ये दो रोलर्स हैं, ठीक है, ऊपर वाले रोलर की जरूरत थी पूरा समझाने के लिए, तो मैंने आप वो वाला पूरा बना दिया। ठीक है, ये तो ये दो रोलर्स हैं, घूम रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यहाँ से प्लेट आ रही है, मतलब इसकी थिकनेस रिड्यूस हो रही है और आगे जा रही है, मतलब आपको भी पता है कि इतनी ज्यादा रिडक्शन हमें नहीं मिलती है, ताकि आपको समझ आ जाए, मतलब डायग्राम मैंने क्लियरली थोड़ा बनाने की कोशिश की। तो ये हमारा, जैसे ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये मैंने जोड़ दिया ये इनको, ठीक है, तो ये सेंटर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर ये व्हाट इज दिस, दिस इज अवर लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ बाइट है, ये बहुत छोटा है, 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 5 degree, इस तरह से। ठीक है, मतलब ये इतना छोटा है कि ये जो मैंने इतना बड़ा जो ये आर्क बनाया है, इट इज अप्रोक्सीमेटली अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन के बराबर है। तो ये कर्व्ड, इतना बड़ा ये आर्क नहीं होता, इतना बड़ा ये कर्व नहीं होता, इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बेसिकली हमने पिछले जो सेशंस थे उसमें हमने बात की थी कि जो रोलर है वो इस प्लेट के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, इसको दबा रहा है, दैट्स कॉल्ड रोलिंग प्रेशर। ठीक है, तो टोटल फोर्स जो रोलर लगा रहा है प्लेट के ऊपर, दैट इज रोलिंग फोर्स। द थिंग इज कि वो लग कहां रही होती है, हम ये मान लेते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो रोलिंग फोर्स है, इफ दिस कंप्लीट लेंथ, यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई कितनी है, एल, कॉन्टैक्ट लेंथ, यहां से लेकर यहां तक
ये लेंथ कितनी है, एल, कॉन्टैक्ट लेंथ, ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट ये लेंथ कितनी है, दैट्स एल। सर ये क्या करेगा, कभी आप इसे कॉन्टैक्ट लेंथ एल बोलते हो, कभी आप इसे कॉन्टैक्ट लेंथ एल बोलते हो, एक्चुअली ये दोनों लेंथ बराबर है, बराबर है, अप्रोक्सीमेटली बराबर है, क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो एंगल जो इतना बड़ा मैंने एंगल बना रखे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इट अप्रोचेस जीरो, ये एंगल बहुत छोटा है इसलिए ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, हम ये मान के चलते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स जो ये रोलर लगा रहा है इस प्लेट के ऊपर, हम ये मान के चल लेते हैं कि इस लेंथ के बीच में लगा रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत बड़ी अजम्पशन है, ये चाहिए हमें कि जो ये रोलिंग फोर्स है, पिछले सेशन के अंदर हमने इसका फॉर्मूला डेवलप किया था, रोलिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था, हाँ जी, स्ट्रेस या रोलिंग प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, वो क्या था, विड्थ इनटू एल, एल क्या है, कॉन्टैक्ट लेंथ, विड्थ इनटू एल, कॉन्टैक्ट लेंथ, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, ये आ गया हमारा रोलिंग फोर्स। अभी रोलिंग फोर्स लग कहाँ रहा है, ये इस लेंथ के बीच में लग रहा है, बीच में, ठीक है। सो दिस इज अवर रोलिंग फोर्स, वो यहां पर लग रही है, इधर, ये इधर, ये चीज इधर, समझ आ रही है, मैंने लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ की, इट इज वर्टिकल इन डायरेक्शन ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये इस रोलर के सेंटर से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, इट इज एट डिस्टेंस ऑफ एल बाय टू, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि रोलिंग टॉर्क क्या होगा, दैट विल बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस एसेंट्रिसिटी, ठीक है, एसेंट्रिसिटी, और ये कितनी है, एल बाय टू। समझ आ गया सारा फंडा, ये है सारा फंडा, बस इतना ही बताना था आपको, ठीक है। तो बेसिकली चीज क्या है, दिस इज अ रोलर, ये एक रोलर है, ये उसका सेंटर है। अब ये रोलर जो है, ये इसके नीचे जो ये शीट है, शीट जो प्लेट है उसको दबा रहा है। हम ये मान सकते हैं कि पूरे की पूरी जो फोर्स है, रोलिंग फोर्स, वो कहां लग रही है, इस लंबाई के बीच में, बीच में, इस लेंथ के बीच में लग रही है, ठीक है। तो सेंटर से इसकी असेंट्रिसिटी कितनी बन रही है, L divided by 2, ठीक है। अब यार वो लॉ है ना, to every action there is equal and opposite reaction, अगर ये रोलर प्लेट को कंप्रेस कर रहा है, उस पे फोर्स F लगा रहा है, तो प्लेट भी तो रोलर पे फोर्स F लगाएगी या नहीं लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो रोलर के ऊपर जैसे रोलर प्लेट पे फोर्स लगा रहा है, प्लेट रोलर पे फोर्स लगाएगी, और वो लगेगी अलॉन्ग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, एफ मैग्नीट्यूड यही रहेगा, सिग्मा डब्ल्यू एल, ठीक है, और उसकी सेंट्रिसिटी कितनी है, एल बाय टू। समझ आ रहा है, तो ये फोर्स है जो रोलर के ऊपर लग रही है। अब हमें इसे बैलेंस करने के लिए हमें एक टॉर्क लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा, जो ये फोर्स की वजह से जो मूवमेंट लग रहा है इस हमारे रोलर के ऊपर, जो उसको काउंटर करेगा, बैलेंस करेगा, ये चीज समझ आ रही है। तो टॉर्क जो है, रोलिंग टॉर्क टी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रोलिंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एसेंट्रिसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो हम कितना मान लेते हैं, कितना एज्यूम करते हैं हम उसको, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। फॉर्मूला हमें जो टाइप टू प्रॉब्लम मैंने आपको डिराइव करवाई थी, तो मैंने आपको लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला डिराइव करवाया था, इट वॉज आर डेल्टा, स्क्वायर रूट ऑफ आर डेल्टा। समझ आ रहे हैं यहां तक, तो इट इज 0.5 L, या फिर यूं कहिए L by 2। एक्चुअल में ये वेरी करते से कोल्ड रोलिंग के केस में 0.3 से 0.35 या 0.4 के बीच में लाई करते हैं, हॉट रोलिंग के केस में 0.35 से 0.45 के बीच में लाई करते हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर जब तक स्पेशली मेंशन नहीं है, ठीक है, तो हम इसे 0.5 लेके चलेंगे, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा तब तक हम इसे 0.5 लेके चलेंगे, ठीक है। समझ आ गई, तो भाई रोलिंग फोर्स का फॉर्मूला हमने पिछले सेशन में डिराइव किया था, रोलिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एल बाय टू, ये आ गया रोलिंग टॉर्क, उसको हम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी भी कहानी में लास्ट में एक बहुत जबरदस्त ट्विस्ट आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा वो सही आंसर नहीं है, ठीक है, आइए निकाल के देखते हैं, फिर लास्ट में बताऊंगा दिक्कत कहां पे है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको, मतलब अगर रोलिंग का अगर न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक है, दो नंबर का अगर वो आ गया तो वो दो नंबर देकर जाएगा, मेरा आपसे प्रॉमिस है। रोलिंग का न्यूमेरिकल हमेशा आसान होता है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें अब रोलिंग फोर्स निकालनी है,
मीन फ्लो स्ट्रेस क्वेश्चन में दे रखा है, विड्थ क्वेश्चन में दे रखी है, हमें चाहिए कॉन्टैक्ट लेंथ। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट लेंथ एल का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ आर डेल्टा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ रोलर का रेडियस है 250 मल्टीप्लाइड बाय, ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है, लास्ट में इसमें चेंज आएगा। रिडक्शन हमें कितना मिला है 20 mm से 18 mm। ठीक है, तो रिडक्शन हमें 2 mm का मिला है, सो इट गिव्स अस स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 250 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 500, ये कितना आ गया, इट कम्स आउट टू बी 22.3606 mm। यूनिट्स का आपने बड़ा खास ध्यान रखना है, वर्ड क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, क्या दे रखा है, किस यूनिट में दे रखा है, क्या मांगा गया, किस यूनिट में मांगा गया, सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने कॉन्टैक्ट लेंथ एल निकाली है, आइए फोर्स निकालते हैं, रोलिंग फोर्स हम निकालते हैं, दैट इज सिग्मा डब्ल्यू एल। मीन फ्लो स्ट्रेस मटेरियल का हमें दे रखा है 300 मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, विड्थ हमें दे रखी है 100 mm, प्लेट की 100 mm विड्थ दे रखी है, और कॉन्टैक्ट लेंथ हमने निकाली 22.3606 mm। ठीक है, mm से mm, ये mm कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा न्यूटन के अंदर। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो रोलिंग फोर्स है वो कितना आ रहा है। सो इट इज जो हमने निकाली है कॉन्टैक्ट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 300। ठीक है, सो इट गिव्स अस 670820.3933 न्यूटन, ये चीज। सो दैट्स अवर रोलिंग फोर्स। ठीक है, तो रोलिंग टॉर्क क्या होगा, हाँ जी रोलिंग टॉर्क क्या होगा, रोलिंग टॉर्क, ठीक है, रोलिंग टॉर्क ये होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एल बाय टू। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एल बाय टू। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही आपको इसके अंदर, ठीक है, इसमें गड़बड़ है क्या, जब आप फोर्स को यहां पुट कर रहे हैं न्यूटन के अंदर, ठीक है, जब आप एल बाय टू से मल्टीप्लाई करोगे, अब एल जो है वो हमारे एमएम के अंदर है, एमएम के अंदर है। ठीक है, तो जो टॉर्क निकल के आएगा वो न्यूटन एमएम में आएगा। ठीक है, हमें चाहिए होगा न्यूटन मीटर के अंदर, न्यूटन मीटर, क्योंकि हमें सर वॉट में चाहिए, बाद में उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आ गए, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इससे, सो इट गिव्स यू 670820.3933 मल्टीप्लाई बाय 22.3606, ये चीज। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा यहां पे, तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 22.3606 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 जरूरी है, सो इट गिव्स अस हमें क्या मिल रहा है, दिस इज इक्वल टू 7499973.243, ये है न्यूटन एमएम, याद रखना न्यूटन एमएम, तो इसे डिवाइडेड बाय 1000 करके हम इसे न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन मीटर, यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सो इट गिव्स अस ये आ गया 7499.973 न्यूटन मीटर, ये चीज हमने निकाल ली है, 7499.973 न्यूटन मीटर। ठीक है, यहां तक समझ आ गए, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ओमेगा चाहिए, ओमेगा, सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आरपीएम, हमें 10 दे रखे डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो आइए देखते हैं, वैसे तो डायरेक्टली भी इसको हम कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, पावर हम निकाल लेते हैं, पावर आंसर एक्यूरेट रहेगा, पावर एक रोलर को घुमाने के लिए पावर कितनी है, इट इज टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एक रोलर को घुमाने के लिए। ठीक है, सो ये हमने निकाल लिए यहां पर, हमने भी टॉर्क की वैल्यू निकाली है 7499.973 न्यूटन मीटर में ये। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, आंसर अगेन वॉट्स में आएगा, वॉट्स में। ठीक है, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओके मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, सो द आंसर इट कम्स आउट टू बी 7853.95 वॉट्स। ठीक है, ये आंसर वॉट्स में है, हमें आंसर चाहिए किलोवॉट्स के अंदर। ठीक है, तो हम इसे 1000 से हम डिवाइड करेंगे, सो डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, सो द आंसर इज 7.8539 किलोवॉट्स। हां जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये आंसर सही है,
इज द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ रोलिंग इज 7.853 किलोवाट. नहीं, आंसर पूरी तरह से गलत है. क्यों? बिकॉज रोलिंग ऑपरेशन के अंदर आपके पास एक नहीं, आपके पास दो रोलर्स होते हैं, दो. ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, पावर रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग ऑपरेशन. ठीक है, तो आपको पावर जो है वो दोनों रोलर्स को सप्लाई करनी है, दोनों रोलर्स को. तो ध्यान रखिएगा हमेशा, इसे मैंने शुरुआत में कहा था कि पावर रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग, उसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू टी ओमेगा नहीं है, उसका फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू टू टी ओमेगा. टू यहां पर टू से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज वी हैव गॉट टू रोलर्स. समझ आ गए? तो ये जो आपने निकाले 7.8 किलोवाट, दिस इज द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव वन रोलर. ठीक है, हमारे रोलिंग ऑपरेशन में दो रोलर्स हैं, सो मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे इसको. समझ आ गए? तो पावर रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय टू करके क्या आ गया, सो टू मल्टीप्लाइड बाय 7.8, ये क्या आ गया, 15.7079 किलोवाट. समझ आ गए? तो लास्ट में ये ट्रिक था, ठीक है, कि जो आप पावर निकालो वो एक रोलर की आ रही है, हमें रोलिंग ऑपरेशन में दो रोलर्स हैं, पावर मल्टीप्लाइड बाय टू, या फिर सीधा ही पावर रिक्वायर्ड इन रोलिंग ऑपरेशन इज इक्वल टू टू टी ओमेगा. समझ आ गया फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, दैट्स हाउ वी सॉल्व सच अ सिंपल प्रॉब्लम.